सरकारी कागजों फाइलों में नाम पते गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी खबरें अक्सर आपने देखी या सुनी होंगी। लेकिन जब किसी की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में पैसे आ जाए तो हैरानी होना लाजमी है। वजह जानने के लिए पूरा माजरा समझिए। दरअसल सरगुजा जिले में मनरेगा योजना के तहत मुर्दे भी अब काम करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2018 में मौत हो जाने के बाद 2021 में मनरेगा योजना के तहत काम करने के बाद की राशि खाते में डाल दी गई है। बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत बिलासपुर की रहने वाली सबीना सोनवानी के पति और सास की मौत 2018 में हो गई। लेकिन इधर जानकारी लगी कि उनके खाते में मनरेगा योजना के तहत 2021 में काम करने की राशि आ गई है तो पूरा परिवार अचंभित हो गया, क्योंकि जो दुनिया में है ही नहीं उसने काम कैसे किया। सबीना सोनवानी जी बताइएगा, इंद्रनाथ और केंदी भाई कौन थे आपके? इंद्रनाथ पति थे और केंदी भाई दादी सास थी। अच्छा, तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 2018 में। अच्छा, और उनका साथ साथ में हुआ था 2018 में। हाँ, एक दो महीने का। कैसे में हुआ था? कुछ नहीं, बस बुखार था। अच्छा, और दादी सास तो बूढ़ी हो गई थी। तो क्या ये मनरेगा में भी काम करते थे क्या? नहीं, नहीं कर रहे थे, कभी नहीं जाते थे करने काम। और पति? वो कभी कभी जाते थे। अच्छा, तो डेथ होने के बाद कभी गए थे क्या? नहीं। तो आपका पता है कि आपको उनके खाते में पैसा भी आया है, जानकारी है आपको? नहीं जान रही हूँ। तो मतलब आप लोग क्या काम करते थे अभी, मतलब पति पहले कुछ काम भी करते थे? नहीं, कुछ काम नहीं करते थे, बस घर का काम करते थे, खेती बाड़ी बस थोड़ा बहुत है। तो क्या लगता है कि जो खाता में पैसा आया है तो इसमें किस तरह से देखते हैं आप कि इसमें जो मर जाने के बाद ही पैसा आया है उसमें उसमें कहीं लापरवाही देखते हैं क्या? मैं तो नहीं जान रही हूँ कुछ भी। कभी कोई कुछ आया था कोई अधिकारी कभी? नहीं नहीं आया कोई। तो इस बारे में सूचना दिए थे आप अधिकारियों की मौत हो गया ग्राम पंचायत में? तो जान तो रहे, पंचायती वाला तो बना है, मृत्यु प्रमाण पत्र दिए थे। कितने लोग रहते हैं आप लोग परिवार में? मेरे सास ससुर हैं और मैं और मेरे 3 बच्चे। इधर सरगुजा कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो मनरेगा के तहत की जाएगी। सर, मनरेगा के तहत तो जो क्रेडिट हुआ 2021 में किस तरह से देखते हैं से, जो मृत्यु हो गया है उसके बाद भी क्रेडिट हुआ है, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी आपने मुझे जानकारी दी है, आपके माध्यम से जानकारी अभी आई है, उसको चेक कराएंगे और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होगी होगी तो यथोचित कार्रवाई जो भी है मनरेगा के नियम के अनुसार होगी। कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की बात कह दी है, लेकिन सवाल इस गड़बड़ी का है कि जो कभी मनरेगा योजना के तहत काम करने गए ही नहीं उनके खाते में रुपए कैसे आ गए। जिले में बैठे मनरेगा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस तरह के कारनामे सामने आते रहते हैं। अब देखना होगा कि लापरवाही करने वालों पर कब तक गाज गिरेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रशांत कुमार यादव की रिपोर्ट।